अरे भाई जरा देख के यार, पोती का जन्मदिन है दोस्तों। आज मेरी पोती का जन्मदिन है, आप सबकी दुआएं आशीर्वाद चाहिए। आज बहुत सारे मेहमान आएंगे, बहुत दूर दूर से आएंगे। कौन कौन आएंगे ये तो सरप्राइज होना चाहिए, आपको भी तो पहचानना चाहिए कौन कौन आ रहा है। तो आइए मिलवाते हैं, हंगामा होगा, धूम धड़ाका होगा, आपको भी शामिल करते हैं। तो आइए। ये देखो कमेंट कर रहा हूँ मैं अभी कि आज सारे इंस्टाग्राम में गाड़ी चलाते हुए पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप ही की वीडियो है देखो। सब बहुत शांति से हुआ और बड़ा मजा आया और लख लख बधाइयां आपको कि आपके सानिध्य में ये हुआ है। हम ठीक 6:30 बजे, 6:30 बजे का टाइम था, 6:30 बजे हम होटल होटल में विश्राम करने के बाद अब सब मेहमान इकट्ठे होकर घर आए हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया। आइए 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 वेलकम सर, आइए स्वागत आप। ये देखिए आपकी राज है, जगह जहाँ रीले बनती हैं। इतने मेहमान हमारे घर आए, खुदा की कुदरत है। कभी हम इनको और कभी अपने गरीब खाने को देखते हैं। अतिथि देवो भव, आइए इनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। यहाँ हम सब ने मिलकर खूब गप्पे मारे। चंडीगढ़ में 15 सितंबर को सब लोग मिले थे, वहाँ की अच्छी खट्टी मीठी सब बातें शेयर की, खूब टहाके लगाए। तो आइए, बहुत सारी बातें करने के बाद अब चलते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, जहां पर खूब हंगामा होगा। आपको तालों की जरूरत हो? ये अंजू जी, अरे आ जाओ दोस्तों। मेरी पोती के प्रथम जन्मदिन पर बहुत सारे मेहमान आए और वो बहुत सारे मेहमानों ने अपने अपने शुभकामनाएं, अपना अपना आशीर्वाद दिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इस दिन कितना खुश था। खुशी होने की एक वजह यह भी थी कि 8 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद मेरे यहाँ पोती ने जन्म लिया। लोग कहते हैं लड़का होना चाहिए था, और मैं कहता हूँ लड़की होनी चाहिए थी। जिस घर में लड़की नहीं, उस घर में लक्ष्मी भी नहीं, उस घर में शांति भी नहीं। दोस्तों, लड़की का होना, पहली लड़की का होना बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में बड़ी बहन होती है, याद रखिए पुत्र के लिए बड़ी बहन माँ का रोल अदा करती है जब उसकी माँ नहीं रहती। तो दोस्तों, इस भ्रम को, इस प्रथा को खत्म कीजिए, क्योंकि लड़की है तो सुख है, शांति है, लक्ष्मी है, धन है, संपदा है, और लड़की नहीं तो कुछ भी नहीं। इसे आप इत्तेफाक कहिएगा या संयोग कहिएगा। जब ये बच्ची गर्भ में थी तो मैं अपने घर पर एक दिन चर्चा कर रहा था। हमारी मिसेज अपना अनुमान बता रही थी, बेटा अपना अनुमान बता रहा था, लेकिन मैंने, पता नहीं अनायास ही मेरे मुख से निकला कि हमारे घर तो लक्ष्मी आएगी। और हुआ ये कि जब डिलीवरी के लिए हमारी पुत्र वधु हॉस्पिटल के लिए जा रही थी, तो जब वो गाड़ी में बैठ रही थी, मैंने अपने पुत्र वधु को सांत्वना दी, आशीर्वाद दिया, धैर्य दिया कि बेटा चिंता मत करना, हमारे घर लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी लेकर आओगी। और यकीन मानिए, जब 2 घंटे बाद डिलीवरी हुई हॉस्पिटल में और मुझे सूचना मिली कि हमारे घर पोती आई है, लक्ष्मी आई है, तो सब लोग कहने लगे कि पापा जी के जवान पर सरस्वती माँ बैठी थी और देखिए जो उन्होंने कहा वही हुआ। दोस्तों, मैं कितना खुश था, मैं अपनी खुशी को बता नहीं सकता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर मेरी पोती को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये मेरे जीवन की यादगार पार्टी है। इस पार्टी में दूर दूर से मेरे दोस्त और मिलने वाले आए, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने आकर इस उत्सव की शान बढ़ाई। पति गुब्बारे से काम चलाना पड़ रहा है सर, क्या हो रहा है सर? नीतू जी बताने वाली है सही जवाब क्या है। मैम, सर आपसे सवाल है, पत्नी को नहीं देखना, आपको बताना है आपकी पत्नी ने गले में कितनी मालाएं पहनी है, टोटल सोना चांदी जो भी है कितनी मालाएं हैं गले में? मंगलसूत्र, सिर्फ मंगलसूत्र, बाकी पहनने नहीं दिया या क्या हुआ? चलो मैम, चलो थोड़ा सा दीदार करा लो। वाह क्या बात सर, अच्छा आज हिंदी शो कम करी है, लोग ध्यान से देखना करेंगे, मैं बताऊंगा सर। देखिए अभी ये देखना है कि आप अपनी पतवा और फिर इनाम के हकदार वो होंगे। देखते हैं किसको पता है। मैम आप प्लीज बैठ जाइए, ये सिर्फ महिलाएं इसका जवाब देंगी, जितनी भी महिलाएं जवाब दे सके। सर मैम प्लीज आइए, पति ने गलत बोल दिया ऐसा थोड़ी होता है, क्या पता सही हो। आइए मैम, आइए आइए। योर गुड नेम? देखिए अंजु जी हमारे जो मेहमान हैं वो चंडीगढ़ से आई है, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। अंजु जी वो क्या है जिसको खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? गोल गप्पा, क्या बात है, गलत जवाब। पति नहीं यहाँ पे तो वो कर। हाँ एक मिनट सर, मैम आपका शुभ नाम जवाब क्या बात है मैम, क्या है? सिंघाड़ा। गलत है सही है बाद में बात करेंगे, मुझे बताओ कैसे? आपने लास्ट सिंघाड़ा कब खाया था? अभी आज ही। आज ही खाया, कैसे खाया? ओके, सवाल है वो ऐसा क्या है जिसको खाने के लिए आपको जो खाता है उसको पानी में जाना पड़ता है, तो इसलिए जवाब सही है गलत है? गलत। धन्यवाद मैम। दोस्तों, एक जमाना था जब लड़कियां होने पर मातम मनाया जाता था, कई कई घर में पड़ोस में भी खाना नहीं बनता था, ओहो साहब लड़की हो गई। और आज देखिए जमाना बदला, समय बदला, सोच बदली और नतीजा देखिएगा कि लड़की के होने पर, पोती के होने पर कितनी खुशी मनाई जा रही है। मैं ही नहीं, आने वाले भी कितने खुश हैं, हर आदमी आनंद से भरपूर है, प्रफुल्लित है, खुश है, मस्ती में है। दोस्तों कहा जाता है कि जब लड़का होता है तो वो एक घर का वारिस होता है, एक घर को चलाता है, लेकिन लड़कियां दो घर चलाती हैं। दोस्तों तो लड़कियों की कद्र कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए। दोस्तों जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय तो मैं नाच नहीं पाया, उस समय ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी, ऐसा माहौल ही नहीं था, लेकिन आज पोती के जन्मदिन पर मैंने अपने सब अरमान पूरे किए। दोस्तों मैं ही नहीं, मेरे संग चंडीगढ़ नाचा, हरियाणा नाचा, गुजरात नाचा, अलीगढ़ नाचा, ये नाचा वो नाचा, दिल्ली नाची, भाई मज़ा आ गया। लव यू ऑल फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आपने आकर मेरी पोती को जन्मदिन को इतना शानदार, इतना खुशनुमा और इतना यादगार बनाया। आप सबको भगवान खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। यूं तो ये दिल किसी पर आता नहीं, यूं तो ये दिल किसी पर आता नहीं। बहुत कम रील देखता हूँ, इसलिए देखिए मुझे देखना नहीं चाहता, बल्कि मेरे पास टाइम नहीं देखने का। हाँ सही बात, मेरे पास टाइम नहीं देखने का। मार्केट गया था एक्टिव से। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे याद आया तो चश्मा नहीं बुलाया, चश्मा बुलाया तो वहां से मैंने एक्टिवा को टर्न किया वापस घर पे,
और इससे आगे आने लगा, अरे मेरा चश्मा उठा दियो जरा, मैं चश्मा भूल गया। ये कहने लगे चश्मा तो तुम लगा रहे। अच्छा चश्मा लगा हुआ ही था। चश्मा लगा हुआ था आगे पर, चश्मा लगा हुआ था आगे पर। वो क्या होता ना, किसी किसी की आदत होती, कहीं जाता ना तो जेब से निकाल के फिर ये लगाते, तो आपने तो जेब में तो है ही। और अभी ये चश्मा यहाँ डाले घूम रहा हूँ ये रहा, और सारे घर में ढूंढ दिया मैंने, ये मेरे चश्मा का है, मेरे चश्मा का, अब देखा जाएगा चश्मा तो मेरी जेब में लगी है। का कलर एक यार बिटिया के साथ मिलके प्लान करेंगे। आइए सर, अरे कुलदीप सामान रखो, तो तुम वहां चले जाते ना होटल में। दो दिन खूब धूमधड़ाका, खूब मस्ती, खूब आनंद से रहने के बाद अब हमारे दोस्त रुखसत हो रहे हैं, विदा हो रहे हैं। चूंकि देखिएगा सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन यकीन मानिए भेजने को मन नहीं कर रहा है। चूंकि दो दिन मैंने इनके साथ, ऐसा लगा कि मैंने दो जन्म का सुख इनके साथ दो दिनों में प्राप्त कर लिया। दोस्तों आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपकी दी हुई ये यादें मेरे जीवन के सुनहरे पल होंगे, और यही चाहूँगा कि जब जब मेरा निमंत्रण आपको मिले, आप पुनः इसी तरह से मेरे पास आते रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। मन तो नहीं कर रहा है भेजने का, मन कर रहा है कि रोक लूँ, लेकिन नहीं रोक पाऊँगा क्योंकि कई दोस्तों के बहुत ज़रूरी काम हैं। तो साथियों अब विदा लेते हैं इस ब्लॉक में, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉक में। ओके बाय। जैसे कहा मैंने, यहाँ से आपको लेफ्ट कर से राइट, और फिर समय। नमस्कार दोस्तों।